नमस्कार, आप सबका स्वागत है एग्जाम बैच की ऑनलाइन क्लास में। ये हिंदी का भाग चल रहा है, तो आज का जो विषय रहेगा, आज का जो बिंदु रहेगा, वो रहेगा शब्द भेद। आज हम आपको शब्द भेद से परिचित कराएंगे। थोड़ा अगर पीछे ले चलते हैं तो आपको बताते हैं क्या चीज़ है शब्द भेद, हमें क्या पढ़ना है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो व्याकरण है, हिंदी का व्याकरण मूल भाग व्याकरण का ही है। व्याकरण के तीन पार्ट हैं, एक पार्ट है वर्ण विचार, फिर है शब्द विचार और फिर है वाक्य विचार। ये बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप मूल चीज को, मुख्य बिंदु को अवश्य समझ सके कि मुख्य बिंदु क्या होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वर्ण विचार में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्णमाला। वर्ण विचार में वर्णमाला पढ़ा जाता है। अब वर्ण से शब्द आप बनाएंगे कैसे, वर्ण से शब्द कैसे बनेगा, शब्द होता क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये तो है, लेकिन वर्ण से शब्द बनेगा कैसे, तो वर्ण से शब्द बनाने की चार इकाइयां थी। वर्ण से शब्द बनाने की चार इकाइयां थी, कितनी थी, चार, जिन्हें कहा गया संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कोई पूछे संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये सभी क्या हैं, ये शब्द निर्माण की इकाइयां हैं। ये सब क्या हैं, शब्द निर्माण की इकाइयां, सभी हैं शब्द निर्माण की इकाइयां, यानी इनसे शब्द बनते हैं। ठीक है, तो शब्द चलो बन गया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द बन गया, तो अब शब्द आ जाता है। इसलिए आज हमारी चर्चा शब्द भेद पर होगी। तो शब्द भेद में हमें क्या क्या पढ़ना है, उस चीज पर अब हम ध्यान देते हैं, आप दिलाते हैं आपका। सबसे पहले देखते हैं शब्द भेद में शब्दों का भेद बताया जाएगा। तो शब्द की परिभाषा लिखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब ये ध्यान रखना, इन शब्दों में हमें क्या क्या पढ़ना है। शब्द के भेद तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ शब्दों में और क्या क्या पढ़ना है। तो शब्द में जैसे एक पहला शब्द जो आता है, क्या आप जानते हैं द्वित्व वर्ण क्या होता है, द्वित्व वर्ण किसे कहते हैं, द्वित्व वर्ण क्या है, द्वित्व वर्ण। तो ध्यान रखिएगा, जिस शब्द में ऐसे वर्ण हो कि एक वर्ण आधा और एक वर्ण पूरा और दोनों ही वर्ण अलग अलग प्रजाति के हो, वो सॉरी एक ही प्रजाति के हो, तो उन्हें क्या कहा जाता, द्वित्व वर्ण। अब जैसे द्वित्व वर्ण में आपने लिखा दिल्ली, बच्चा, बिल्ली, पत्ता। अब यहां आप क्या देख रहे हैं, एक ही जाति के दो वर्ण, आधा ला पूरा ला, आधा चा पूरा चा, आधा ला पूरा ला, आधा ता पूरा था।
तो जहां ऐसी चीज हो, यानी जहां दो वर्ण एक ही प्रजाति के हो, दो वर्ण एक ही प्रजाति के हो, एक स्वर रहित दूसरा स्वर सहित। समझ लो, बहुत सुंदर परिभाषा लिखी है कि दो वर्ण हो एक ही कैटेगरी के, एक ही प्रजाति के, एक में स्वर ना हो और एक में स्वर हो। यहाँ दो चा आए हैं, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। कई बार ऐसा पूछा गया कि किस विकल्प में द्वित्व वर्ण है, तो द्वित्व वर्ण क्या होता है, इस चीज को आप विधिवत समझ लीजिएगा क्या है द्वित्व वर्ण। अब द्वित्व वर्ण के बाद में अगर बात करते हैं, ऐसे एक होता है वर्ण गुच्छ। द्वित्व वर्ण के तरह क्या होता है, वर्ण वर्णगुच्छ। वर्णगुच्छ का परिभाषा जो होती है, इसकी भी परिभाषा हम इधर लिख देते हैं। दो वर्ण अलग अलग जाति के हों, एक स्वर रहित एक स्वर सहित। फर्क देख लीजिएगा, यहां पर भी दो वर्ण हो एक, अब लेकिन एक ही जाति के हों, एक आधा एक पूरा। यहां भी दो वर्ण हो लेकिन अलग अलग जाति के हों, एक आधा एक और पूरा। इसके उदाहरण देखिएगा कौन कौन से होते हैं। इसके उदाहरण होते हैं त्याग, द्वारा, सत्य, म्यान आदि। ये ध्यान दीजिएगा, यहां ता अलग जाति का है या अलग जाति का है, एक आधा और पूरा। फिर से समझ लो, जिस शब्द में दो ऐसे वर्ण हो जो एक ही कैटेगरी के हो, एक आधा अक्षर एक पूरा अक्षर, आप उसे कहेंगे द्वित्व वर्ण। और अगर ये दोनों वर्ण अलग अलग जाति के, आधा अक्षर कोई और है पूरा अक्षर कोई और है, तो उसे कहेंगे वर्णगुच्छ। क्या होता है द्वित्व वर्ण, क्या होता है वर्णगुच्छ, इस चीज को विधिवत आप समझ लीजिएगा। और अब आपको शब्द भेद के बारे में बताते हैं कि शब्द भेद क्या है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जा सकता है। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जा सकता है। ये चारों ही प्रकार हम आपके सामने लिख देते हैं। पहला प्रकार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। ऐसा नोट्स भी आप बना सकते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। इस आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। तत्सम,
तद्भव, देसी और विदेशी। ध्यान दीजिएगा, इसी में आपको एक संकर शब्द भी पढ़ाया जाता है। वो इसका भेद नहीं है, लेकिन संकर शब्द भी इसी में पढ़ाया जाता है। फिर आता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। फिर आता है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द यह है कि ध्यान दीजिएगा, कुछ पुस्तकों में लिखा है कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। लेकिन ध्यान देने वाली तो ये है कि निरर्थक तो कोई शब्द होता ही नहीं है। शब्द की जब परिभाषा, शुरू में आप शब्द को परिभाषित करते हो क्या कहते हो? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो निरर्थक शब्द आया कहाँ से? यानी सार्थक ही होता है। और इसके भेद किए गए हैं चार। चार भेद हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। पर्यायवाची और विलोम। और लास्ट में आपका आता है रूप या प्रयोग। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, जिनको कहा जाता है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। ये चारों ही प्रकार आपके सामने लिखे गए हैं। पहला ये प्रकार है, इसमें कहा गया उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। इस आधार पर शब्द के भेद चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी। और इसी में संकर शब्द भी पढ़ाया जाता है। संकर शब्द का कोई भेद नहीं है, बल्कि इसमें संकर शब्द पढ़ाया जाता है। फिर आता है रचना और बनावट के आधार पर शब्द। इस आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर आता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद चार हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द। रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं, दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। इस प्रकार यहाँ आपको शब्दों का वर्गीकरण बताया गया है। ये क्या है? शब्दों का वर्गीकरण है। अब इसमें से एक एक को लेते हैं। तो सबसे पहले उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द आपको बताए जाएंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द।
इस आधार पर शब्दों के भेद अभी आपको बताए थे चार, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, और इसी में संकर शब्द बताने। तो आज हमारा चर्चा यहाँ पर तत्सम शब्दों का रहेगा, जो सबसे ज्यादा शब्द पूछे जाते हैं। तत्सम देखिए, अगर किसी शब्द का हमें अर्थ ना आ रहा हो तो ये देखें वो शब्द मूल शब्द है या यौगिक है, यानी सिंगल शब्द है या दो शब्दों के योग से बना है। अगर वो दो शब्दों के योग से बना हो तो उसका आप संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद करने से उसके भाग, उसके टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, जिससे हम एक एक करके उनके हम मीनिंग को, अर्थ को समझ सकते हैं। तत्सम शब्द का विच्छेद करते हैं, तत् प्लस सम, शब्द बना तत् प्लस सम। तत् माने उसके और सम माने समान, उसके समान। तत् माने उसके और सम माने समान। क्या हो गया? उसके समान। परिभाषा लिखते हैं, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन, बिना रूप परिवर्तन किए, बिना रूप परिवर्तन किए विसर्ग रहित हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। परिभाषा किसी भी जो टॉपिक होता है, जो बिंदु होता है, उसकी सूचनाएं देता है, उसके बारे में जानकारी देता है। तो क्या परिभाषा में इसमें लिखा गया? देखिए कि संस्कृत के वे शब्द, हम सबको पता है कि हिंदी संस्कृत से जन्मी है। संस्कृत से हिंदी हजारों वर्ष के बाद वर्तमान रूप में मौजूद है, यानी आज जो हिंदी है, हिंदी खड़ी बोली है, इसके पहले वो संस्कृत थी। तो संस्कृत से हिंदी खड़ी बोली बनने में हजारों वर्ष का समय लगा। पाली बनी, प्राकृत बनी, अपभ्रंश बनी, ऐसे धीरे धीरे कई चीज़ों से गुजरती हुई वर्तमान स्वरूप में है। तो इस गुजराव में, इस समय अंतराल में कुछ शब्द बदल गए और कुछ शब्द नहीं बदले। तो जो बदल गए, जिनका रूप परिवर्तित हो गया वो तद्भव हो गए, और जिनका रूप नहीं बदला वो तत्सम हो गया। बस ध्यान क्या रखना है, विसर्ग रहित शब्द वो संस्कृत का ही होगा, लेकिन विसर्ग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जैसे यहां हमने लिखा है उज्ज्वला, ये शब्द संस्कृत का है। क्यों है? क्योंकि इसके आगे विसर्ग लगा हुआ है। इस विसर्ग को हटा अगर देते हैं उज्ज्वल, अब एक तत्सम शब्द है, हिंदी का शब्द है। बस यही फर्क है संस्कृत के शब्दों में और हिंदी के तत्सम शब्दों में। फर्क क्या है? विसर्ग का। शब्द में विसर्ग लगा देंगे, अब ये संस्कृत है, अब विसर्ग हटा देंगे तो तत्सम है, हिंदी शुद्ध हिंदी का शब्द है। ये इसमें फर्क है। अब हम कुछ पहचान आपको बताते हैं कि तत्सम तद्भव को, अगर ये पहचान आपने समझ ली, अपने मन मस्तिष्क में इसको
आत्मसात कर लिया तो कभी भी आप तत्सम तद्भव नहीं भूलेंगे। हालांकि इसकी जानकारी हमने वर्णमाला में ही दी थी कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनसे बने शब्द तत्सम ही होते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे बने शब्द तद्भव ही होते हैं। तो ये वर्णमाला के समय में चर्चा की गई थी, फिर भी हम कुछ पहचान आपको बता देते हैं, अगर आप इस पे अमल करें तो आपके लिए तत्सम तद्भव को पहचानना आसान हो जाएगा। तो पहली पहचान देखिएगा, री अंग आह से बने शब्द तत्सम होते हैं। पहली पहचान है कि री अंग आ से बने शब्द तत्सम होते हैं। अगला देखेंगे पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कौन कौन से हैं, अंगा या अड़ा से बने शब्द तत्सम होते हैं, से बने शब्द तत्सम होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छ त्र ग्या श्रा से बने शब्द तत्सम होते हैं। रेफ वाले रा, रेफ वाला रा क्या होता है, ऐसे ऊपर लगता है, ये इस तरीके से लगाया जाता है, तो रेफ वाला र र ये रा बनता इस तरीके से है के प्रयोग से बने शब्द तत्सम के प्रयोग से बने शब्द तत्सम होते हैं। द्वित व्यंजन क्वामा वर्णगुच्छ वाले शब्द तत्सम होते हैं। अगला है संधियुक्त शब्द तत्सम होते हैं। और लास्ट में है जो शब्द लिखने बोलने में कठिन लगे वे शब्द प्रायः प्रायः
तत्सम होते हैं। इस बोर्ड पर हमने तत्सम और तद्भव के आपको पहचान लिखी है, इसे आप कहीं नोट कर लें, अपना जो भी नोट्स बना रहे होंगे नोट पैड पर उसको लिख लें, स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल पे लगा लें और इसका अध्ययन करें, बार बार से पढ़ें तो तत्सम तद्भव की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। तत्सम और तद्भव शब्द लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द ही तत्सम है, कहीं वो शुद्ध वर्तनी पूछते हैं किसकी वर्तनी सही है किसकी नहीं है, तो या कहीं आप तत्सम पूछ लेते हैं तो ये सब में आते हैं। वो परीक्षा टेट की हो, सी टेट की हो, लेखपाल की हो, यूपी पुलिस की हो, बीडीओ की ही, आरओ की, एआरओ की, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो जिसमें हिंदी पूछी जानी है उसमें ये आना ही है। तो ये जो पहचान है इसको आप नोट करें और इससे आपको सरलता मिलेगी। तो क्या पहले था पंचमाक्षर, ये अक्षर भी लिखे हैं, इनसे बने शब्द तत्सम होते हैं, यानी जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो शब्द तत्सम होंगे। आगे संयुक्त व्यंजन, इच्छा त्रा ज्ञा स्रा से बने शब्द तत्सम होते हैं। अगला रेफ वाले रा के प्रयोग से बने शब्द तत्सम होते हैं। और अभी मैंने शुरू में बताया था आपको द्वित व्यंजन या वर्ण गुच्छ क्या है, ये सब तत्सम होते हैं। और जो संधियां आपने पढ़ी, स्वर संधि हो या व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, इन संधियों से जिन शब्दों का निर्माण हुआ है, जैसे विद्यालय दीर्घ स्वर संधि है तत्सम शब्द है, निर्बल विसर्ग संधि है तत्सम शब्द है, तो संधियुक्त शब्द तत्सम होते हैं। अब हम कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं। पत्र, मित्र, राकेश, हिमांश, पवन, भवन, शत्रु, मृग, कृषि, गृह, प्रातः, ऋषि, गोपाल, पैतृक आदि, ऐसे बहुत से अनेक ऐसे शब्द हैं, ये तत्सम शब्द हैं। कुछ हम आपको वो भी दिखा देते हैं जो संयुक्त व्यंजन से बनाया गया। क्षत्रिय, त्रिशूल, विज्ञान, श्राप, आदि, यानी सभी संधि वाले शब्द तत्सम है। री, अंग, आह का जहां प्रयोग है वो तत्सम है, जो पढ़ने में थोड़ा कठिन लगते हैं वो तत्सम है। संयुक्त व्यंजन से बने शब्द तत्सम है। तत्सम शब्दों की संख्या अनंत है और उसे शब्द तत्सम है। और आपको ध्यान रखिएगा, जो खड़ी बोली में कविताएं की गई 1914 के बाद, ये आपको शायद पता है, 1914 में एक रचना आई थी प्रिय प्रवास,
प्रिय प्रवास के जो राइटर हैं वो हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंह। उपाध्याय हरिऔध ये इसके राइटर हैं। ये क्या है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ये हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। कथन का मतलब है जो कविताएं खड़ी बोली में लिखी गई इनमें प्रायः तत्सम शब्दों का प्रयोग है। जो कविताएं ब्रज और अवधी भाषा में लिखी गई उनमें प्रायः क्या है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो तत्सम और तद्भव का स्वरूप क्या है वो चीज हमने आपको बता दी। अब हम तत्सम के साथ आपको तद्भव के बारे में भी जानकारी देते हैं। करिए इसका विच्छेद, तत् प्लस भव। तत् माने उससे और भव माने बना, उससे बना। तत् प्लस भव यानी उससे बना। करते हैं इसकी परिभाषा। हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से पाल प्राकृत होते हुए रूप बदल कर हिंदी में आए हैं, तो क्या कहा कि संस्कृत के वे शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते हुए गुजरे और उन्होंने स्वयं को बदल लिया, उनसे अनुकूलन स्थापित कर लिया यानी मूल वजूद को खो दिया उन्होंने, तो शब्द क्या कहलाए, तद्भव कहलाए। अब इन तद्भव की भी मैं पहचान आपको बता देता हूँ। इन तद्भव शब्दों की क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, से बने शब्द तद्भव उत्क्षिप्त व्यंजन से बने शब्द तद्भव होते हैं। अब उत्क्षिप्त व्यंजन से बने शब्द तद्भव होते हैं, इसके हम आपको दो उदाहरण भी लिख देते हैं। जैसे लिख दिया जाए पेड़ पढ़ाई, ये शब्द तद्भव है। अगला है चंद्र बिंदु के
प्रयोग से बने शब्द तद्भव होते हैं। इन्हें चंद्र बिंदु के प्रयोग से बने शब्द तद्भव होते हैं। यहाँ पर भी आपको दो उदाहरण देते हैं, जैसे आँख, आंगन। चंद्र बिंदु के प्रयोग से बने शब्द तद्भव होते हैं। आगे देखिएगा, अवधि और ब्रज भाषा में प्रयुक्त शब्द तद्भव होते हैं। अवधि और ब्रज भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों को भी तद्भव कहा जाता है। तो तद्भव से जुड़ी तीन पहचान आपको बताई गई। अब हम इसके देते हैं उदाहरण। यहां पहले लिख लो तत्सम। तत्सम यानी संस्कृत से भाषा क्या बनी थी? पाल प्राकृत। ध्यान दीजिएगा, पाल प्राकृत भाषा के शब्द जो हैं, उसके बाद तद्भव, तद्भव शब्द। जो शब्द पाल प्राकृत में है इन्हें अर्ध तत्सम भी कहा जाता है, अर्ध तत्सम भी इनको कहा जाता है। अब देखिए शब्द कैसे बने और इनको समझिए। जैसे यहां था उज्ज्वल, यहां बना उज्ज्वल, यहां था उजला। अग्नि, अग्नि, ये परीक्षा में कई बार आ चुका, कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? अग्नि, आग। कदली, कद्दल, केला। कर्पूर, कपूर, कपूर। हस्त, हथ, हाथ। संध्या, सांझ, संध्या, मच्छर या मशक से बना मत्सर और फिर बना मच्छर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये तत्सम लिखे हुए हैं, यहाँ जो है वो अर्ध तत्सम लिखे गए हैं और इधर शब्द तद्भव लिखे गए। तो कुछ तत्सम तद्भव की
आपको जानकारी दी गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इनकी पहचान क्या है वो आपको जानना है। तो तत्सम तद्भव के बारे में और भी आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट पे आप अवश्य लिखें और इसको देखें, पढ़ें, अध्ययन करें, अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।